हेलो फ्रेंड, मैं हूं रौनव और आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स, और यह है हैंड जेस्चर यानी इशारे जो आप अपने हाथों के जरिए बताते हैं अपने हाव भाव को। आजकल हम सब सोशल मीडिया पर हैं ही, तो यह जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन हैंड जेस्चर का रिलेटेड इमोजी का कब यूज करना है। तो हो जाए रेडी और बन जाए आप भी स्मार्ट। पहला है वेविंग हैंड, जिसका मतलब है लहराता हुआ हाथ। इस जेस्चर का यूज बहुत सारे लोग थप्पड़ मारने के सेंस में करते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। आप इस जेस्चर का इस्तेमाल करके किसी को हाय हेलो कह सकते हैं, और आप इसका प्रयोग बाय टाटा बोलने के लिए भी कर सकते हैं। तो आप चैटिंग में थोड़ा स्मार्ट बन के आप इस जेस्चर का यूज कर सकते हैं। अगला इमोजी है विक्ट्री हैंड यानी विजय हाथ। आप देखेंगे कि इस इमोजी के अंगुलियों में भी बना है और भी से विक्ट्री बनी है। आज इस तरह जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप जीत का सामना करते हैं या आप किसी काम में जीत गए हैं, तब भी इस तरह का हाथ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ओपन हैंड यानी कि खुला हुआ हाथ, आपस में थोड़ा करीब भी है। जब भी आप सामने वाले को हग करना चाहते हैं या उसे गले लगना चाहते हैं, तो आप इस हैंड का प्रयोग कर सकते हैं। इस जेस्चर का चैटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है रेजर्ड हैंड, इसका मतलब है उठा हुआ हाथ। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह हाथ उठा हुआ है और खुला हुआ भी है। अब जानिए कि इसे कब यूज करते हैं। ये रुक जाने के लिए होता है। अगर आप किसी को बोलते हैं कि रुक जाओ, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कोई गाड़ियों और कोई वाहनों को रोकने के लिए इस हैंड का इस्तेमाल करते हैं। और इस जेस्चर का दूसरा यूज तब भी कर सकते हो जब आप क्लास में हो और आपको कुछ पूछना हो, और कहीं भी आपको पब्लिक में कुछ बोलना हो, तो आप हाथ उठाकर इशारा कर सकते हैं कि हमें कुछ बोलना है। नेक्स्ट है रेजिंग हैंड, और इसका भी हिंदी अर्थ है उठा हुआ हाथ, लेकिन रेजर से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये पूरी तरह से ऊपर की ओर उठा हुआ है और इसका दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है। दोस्तों, इस तरीके का हैंड जेस्चर का मतलब अपनी खुशी को दिखाना। अपनी खुशी को दिखाने के लिए लोग ऊपर हाथ करके भांगड़ा करते रहते हैं, तो इस प्रकार से आप इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है थंब अप, इसका मतलब होता है पसंद करना। आप कोई चीज़ आपको पसंद आता है तो आप इस थंब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के नीचे थंब का सिंबल दिया है, प्लीज़ इसे दबाकर जाना और वीडियो को खूब शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।